हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। अगर हम बात करें तो आज हम सबसे पहले जानेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, साथ ही साथ हम इतिहास के अर्थ को समझेंगे। तो बात कर लेते हैं हम इतिहास क्या है, इतिहास के पढ़ने की क्या उपयोगिता है, या इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीते हुए समय में हुई घटनाओं का अनुमान लगाना इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जब हम अनुमान लगाते हैं, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या इतिहास के विभिन्न विभिन्न स्रोतों के आधार पर, तो वो सारी घटनाओं का जो हम अनुमान लगाते हैं उसी के द्वारा इतिहास का लेखन होता है और वो इतिहास के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि विश्व इतिहास के पिता कौन हैं। तो विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका है। कहीं कहीं पर आपको हिस्टोरिका देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने यूनान और स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। अगर बात किया जाए तो इस पुस्तक में इन्होंने यूनान और स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको विश्व इतिहास का पिता कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस को सबसे पहले विश्व इतिहास का पिता किसने कहा, तो किसने कहा था, ये रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम इनको विश्व इतिहास का पिता कहा था। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास के पिता की। तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इन्होंने इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में बताया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे, तो वो सेल्यूकस के राजदूत थे। सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगर हम बात करते हैं कि सेल्यूकस कौन था, तो सेल्यूकस सिकंदर का थल सेनापति था और यह युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है। तो जब वो पराजित होता है तो एक संधि के तहत या विवाह संधि के तहत अपनी पुत्री या अपनी बेटी हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और जब वो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर देता है तो उसके बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजता है। इन्हीं को भारतीय इतिहास के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, तो आप सभी को पता है कि सूर्य में जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट 2HE4 प्लस आपका हो जाएगा 3.5 MeV, मेगावोल्ट एनर्जी। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसमें सूर्य की बहुत अहम भूमिका है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। साथ ही साथ अगर हम सूर्य की आयु की बात करें तो सूर्य की आयु लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व की है। और अगर हम पृथ्वी की आयु की बात करें तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब पूर्व की मानी गई है। और पृथ्वी पर जीवन के जो प्रमुख स्रोतों में से एक है उसे सूर्य की ऊर्जा को भी माना गया है। सूर्य की लाइट को या सन लाइट को जो है प्राणदायी भी कहा गया है, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है पृथ्वी पर वो सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कपि वानर की। तो आपको अगर हम बात करें कपि मानव की या वानर की, तो इन्हें प्राइमेट्स कहते हैं। और पहला कपि कौन था, तो रामापिथेकस जो है वो पहला कपि था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें कि जावा मानव और पिकिंग मानव कौन थे, तो पिकिंग मानव या जावा मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता था। ये दो पैरों पर खड़े होने वाला पहला मानव था। दो पैरों पर खड़ा होने वाला पहला मानव कौन था, तो इसको जावा मानव या पिकिंग मानव कहा जाता था। और साथ ही साथ इसको होमो इरेक्टस के रूप में भी वर्णित है, होमो इरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है, या इसका मनोवैज्ञानिक नाम हेरो इरेक्टस था।
और ये सबसे जो पहला दो पैरों पर खड़े होने वाला कपि मानव था वो किस काल का है, तो वह निम्नपुरा पाषाण काल का है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है आपका पूरा पाषाण काल, अगर हम जिसकी आयु सीमा की बात करें तो अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम मान सकते हैं पूरा पाषाण काल के तौर पर। दूसरा भाग आता है मध्य पाषाण काल, अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक के समय काल को या समय अवधि को हम मान सकते हैं। और अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम नव पाषाण काल के तौर पर मान सकते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें नियंडर थल मानव की, तो जो नियंडर थल मानव है वो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है या मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति के विकास का सूचक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस समय जो मानव था उसे आग का ज्ञान था लेकिन उसने आग का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया था, साथ ही साथ दफनाने की प्रथा भी प्रारंभ हो चुकी थी। आग का ज्ञान तो था इस समय के मानव का, लेकिन मानव को, लेकिन इसने आग का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया था। अब हम बात कर लेते हैं होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस किस समय से संबंधित हैं, तो उच्च पूरा पाषाण काल से, और इनको मानव का वैज्ञानिक नाम या आधुनिक मानव के तौर पर जाना जाता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य या सबूत मिले हैं लेकिन कोई भी लिखित सबूत नहीं मिला या लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं और लिखित सबूत भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित सबूत मिले हैं आद्य ऐतिहासिक काल में उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें या इतिहास की बात करें तो इसमें पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं और लिखित सबूत भी मिले हैं जिन्होंने इतिहास को समझने में बहुत अधिक मदद की है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के तीन भाग कौन कौन से थे। हमने आपको बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के भी तीन हिस्से हमने आपको बताए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी अवधि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है वैदिक सभ्यता जिसकी अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो उसको दो भागों में बांटा गया है, वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो वो दो भाग हैं आपका ऋग वैदिक काल जिसकी अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल जिसे लौ युगीन काल के तौर पर भी जाना जाता है, उसकी अवधि है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। साथ ही साथ अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम अवधि की बात करें तो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक की है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसकी अवधि की बात करें तो 712 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक का जो समय है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के तौर पर जाना जाता है। और अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो इसका समय 1858 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 कहें या फिर कहें अब तक के समय के तौर पर जाना जाता है। और साथ ही साथ प्राचीन भारतीय इतिहास को भी छः भागों में बांटा गया है, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में, और उनके कुछ खंड हैं
और आधुनिक को भी इसी तरह विभाजित किया गया है। तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो पूरा बना रखा है कालक्रम का, तिथि अनुसार आप उसको हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ये आपको पता है। अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है अनुसंधान करना, खोज करना, चीज़ों की जांच पड़ताल करना और खोज के द्वारा पता लगाना कि प्राचीन समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। अब अगर हम बात करें कि इतिहास के भाग, तो अध्ययन की सुविधा से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वो भाग है, प्रागैतिहासिक, उसके बाद दूसरा कौन सा भाग है, आद्य ऐतिहासिक, जिसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है ऊपर बहुत बेहतर ढंग से। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल जिस समय के केवल पुरातात्विक सबूत हैं, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, उदाहरण के लिए पाषाण काल। अब हम बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो ऐसा काल जिस काल में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों का प्रयोग इतिहास लेखन में नहीं किया जा सका है। क्यों नहीं किया जा सका है? क्योंकि इनको पढ़ पाने में सफलता नहीं मिली है। और अगर हम उदाहरण की बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो उसके अंतर्गत क्या आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इनकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, तो आपको पता है कि ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऐतिहासिक काल क्या है, ऐसा काल जिस काल के पुरातात्विक साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन सबूत के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर मजबूत है, और जिन्होंने इतिहास को समझने में बहुत और पढ़ने में बहुत अधिक मदद की है, योगदान दिया है, वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, मैं ऊपर इसके बारे में बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान। तो जब वानर से और कपि से अगर हम कहें, या आदि मानव से मानव का विकास होना चालू हुआ, या जब बंदर से मानव का विकास होना चालू हुआ, तो उसके दो महत्वपूर्ण सबसे जो योगदान माने जाते हैं वो थे हाथों का मुक्त हो जाना। पहले वो अपनी चारों टांगों पर चलता था, लेकिन आगे की दो टांगों को उसने हाथों के रूप में परिवर्तित कर लिया और हाथ पूरी तरीके से मुक्त हो गया, वो दो पैरों पर चलना लगा सीधे खड़े होकर। तो ये सबसे बड़ा विकास का महत्वपूर्ण योगदान था इतिहास के कालक्रम में। और अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा क्या था, मेरुदंड का सीधा होना। उसकी रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड थी सीधी हो गई थी और वो अपने दो पैरों पर सीधा खड़ा हो पा रहा था। साथ ही साथ उपकरणों का विकास हुआ, और जब उपकरणों का विकास हुआ और मानव का विकास हुआ, तो उसका मानसिक विकास भी हुआ, उसके मस्तिष्क का भी विकास हुआ। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात करते हैं भारत में मानव के शारीरिक एक विकास प्रारूप का पहला सबूत मध्य पाषाण काल के स्थल कहाँ से मिला है। तो भारत में मानव के शरीर विकास के प्रारूप का पहला सबूत या साक्ष्य मध्य पाषाण काल के स्थल लहरिया, बगाई खोर, मिर्जापुर तथा सराय नाहर, राय प्रतापगढ़ से मिलते हैं। ये कुछ जगह हैं जिनको मैं गोला कर दे रहा हूँ, आपको उनको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम पाषाण काल की बात करें, तो उसको तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें, तो इसमें जो मानव था वो खाद जो है, अब देखिए यहाँ पर आपको बात समझनी है कि वो मानव जो था खाद संग्राहक था, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करता था। मुख्यतः उसका क्या काम था, वो शिकारी था, आखेटक था और पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मध्य पाषाण काल आया, तब भी वो खाने का खाद्य का संग्राहक करता था, संग्रहण करता था, इकट्ठा करता था। लेकिन अब उसने आखेट शिकार के लिए धनुष तकनीक का, छोटे छोटे माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरणों का, औजारों का, हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और नव पाषाण काल आते आते, नव पाषाण को भारतीय इतिहास में एक क्रांतिक परिवर्तन के तौर पर भी जाना जाता है था
अब उसने क्या किया था, नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक भी बनना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि नवपाषाण के आते आते यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, लिख लेना है कहीं, खाद्य उत्पादक भी हो गया था, उत्पादक। अब वो क्या करने लगा था, अब वो कृषि करने लगा था। नवपाषाण काल में चीज़ों का संग्रह भी करता था और साथ ही साथ कृषि करने लगा था, तो चीज़ों का उत्पादन भी करने लगा था। और अब उसने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर लिया था, केवल संग्राहक नहीं रह गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं ऐसा काल जिस काल की पूरी सामग्री पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित है, उसको पाषाण काल कहा गया। पत्थर के औजारों के आधार पर यह तीन भागों में विभाजित किया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये आप सभी को पता है। अब हम आगे पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुरापाषाण काल अब क्या बोला गया, तो इसको मैं सरल शब्दों में बताता हूँ, वो आपको ज़्यादा आसान रहेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। पुरापाषाण काल की बात करें तो अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक का समय पुरापाषाण काल के तौर पर माना जाता है। इस काल का मानव खाद्य संग्राहक और आखेटक था। क्रोड और फलक उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। पुरापाषाण काल को पहली बार खोजने का श्रेय भारत के संदर्भ में रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है, जिन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। पासार उपकरणों और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया, किसको, पुरापाषाण काल को, किसमें किसमें, तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, अभी मध्य पाषाण काल की बात नहीं करेंगे, पहले हम आपको उच्च, सबसे पहले हम आपको निम्न पुरापाषाण काल और उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में भी कुछ बातें बता देते हैं, तब हम मध्य पाषाण काल पे आएंगे। तो उच्च पुरापाषाण काल जो है वो जो है सबसे लास्ट स्टेज है पुरापाषाण काल की। अगर हम शुरुआत की बात करें कि पुरापाषाण काल में मानव का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में मानव का विकास निम्न पुरापाषाण काल से हुआ। धीरे धीरे उसने विकास करना प्रारंभ किया, उसके बाद का जो समय है वो मध्य पुरापाषाण काल के तौर पर जाना गया। फिर विकास का क्रम और थोड़ा आगे बढ़ा और समय बीतते बीतता थोड़ा और विकास का क्रम बढ़ा, तो उसे उच्च पुरापाषाण काल के तौर पर जाना गया। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की भी अवधि को मैं सरल तरीके से आपको बता देता हूँ, इसकी अवधि को 8000, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ये आपके लिए ज़्यादा सरल होगा, आप इच्छा कर 10000 से अगर हम 4020 तक की बात करें, तो आपको सरल शब्दों में ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व की मानी गई है। अब विशेषता क्या थी, तो इस काल का मानव खाद्य संग्राहक एवं शिकारी जीवन जीता था, परंतु उसने अपनी शिकार की तकनीक में परिवर्तन किया था और बेहतर पत्थर के हथियारों का विकास कर लिया था और उनका प्रयोग करने लगा था, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक काल के तौर पर या युग के तौर पर जाना जाने लगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस काल का मानव माइक्रोलिथिक औजारों तथा लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। इस काल में मानव अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सराय नाहर राय से, ये बात ध्यान रखनी है, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। इस काल के अंतिम चरण में पशुपालन के सबूत मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं और राजस्थान के बागौर से भी प्राप्त हुए हैं, तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं अगर अब आपके सामने दे रखा है मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल से ही पेड़ लगाने के प्राचीनतम सबूत राजस्थान के संभार झील के किनारे मिले हैं और इस काल के प्रमुख स्थल पश्चिम बंगाल में, वीरभानपुर गुजरात में, लगराज मध्य प्रदेश में, आगमपुर राजस्थान में, बागौर उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय, महाराय और डगडग तथा तमिलनाडु में टेरी समूह है, तो ये बात भी आपको दिमाग में
बैठा लेनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और नवपाषाण काल को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस काल का मानव खाद्य उत्पादक एवं स्थायी निवास करने लगा था। वी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है, जो कि मानव विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे देखते हैं, नवपाषाण काल में चाक पहिए का आविष्कार। इस काल में चित्रभूषण मृदभांड चलते थे। नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ से अनाज के सबसे प्राचीनतम सबूत मिले हैं, जो लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मौजूद लोहरादेव से 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 9000 ईस्वी पूर्व तक के चावल के साक्ष्य मिले हैं या सबूत मिले हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसे गढ़तावास मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत मिले हैं। अगर हम चिरांद की बात करते हैं तो चिरांद बिहार नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर यह एक मात्र स्थल है जहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के बाहर यह एक मात्र स्थल है जहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लहुरादेव श्रावस्ती नवपाषाण। जो लहुरादेव है वो कहाँ है, तो श्रावस्ती में स्थित है। और क्या है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से अनाज चावल के सबूत मिले हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल है। कितना पुराना है, तो 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 9000 ईस्वी पूर्व तक का है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक इतिहास को जानने के तथ्य और साथ ही साथ पूरा पाषाण काल वाला टॉपिक पूर्ण ढंग से समाप्त होता है। तो अब हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।